दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है IQ Z7 Pro 5G। ये स्मार्टफोन काफ़ी दिनों से लॉन्च से मतलब रूमर्स पे रूमर्स बना हुआ था, लेकिन फाइनली आप लोगों के सामने ये लॉन्च हो गया है, जिसमें प्राइस काफ़ी अहम है और जानना ज़रूरी है। और इसमें 3D कवर डिज़ाइन के देखने को मिलता है। डायमेंसिटी 7200 mAh की बैटरी है। अब ये बता दूँ कि जो प्राइस है, आपको इसमें दो वेरियंट देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं सेल भी आपको सामने है। तो फिलहाल फटाफट करके हम जान लेते हैं इसमें डिज़ाइन के बारे में। 3D कवर डिज़ाइन को देखने को मिलती है। इसके साथ ही कंपनी ने बैक पैनल पर AZ ग्लास का उपयोग किया है, जिसकी वजह से फ़ोन के बैक पैनल पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ेंगे, यानी कि ये एंटी ग्लेयर और एंटी फिंगरप्रिंट्स लेस होंगे। डिवाइस के बैक पैनल पर कवर स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें रिंग LED फ्लैश और दो सर्कुलर कैमरा कट आउट दिया गया है। कंपनी के मुताबिक एक बताया गया है कि डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ 7.36 mm का है, जिसके चलते इस सेगमेंट में इस सबसे पतला फ़ोन बताया गया है। कलर के ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ब्लू लूगन जैसे दो कलर के, ग्रेफाइट मेट और ब्लू लूगन जैसे मैंने बताया, इसमें दो कलर के ऑप्शन में मिलेंगे। अब यहाँ पर बता दूँ इसके जो फीचर्स हैं, जैसे कह सकते हैं डिस्प्ले में 6.78 इंच की प्लस कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले है, वो 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, 1300 nits की बिग ब्राइटनेस है, 93.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 300Hz टच सैम्पलिंग रेट है, जो कि अगर प्रोसेसर की बात करें, मैंने पहले ही बताया कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिपसेट पर है, और प्रोसेसर 4nm प्रोसेसर पर बेस्ड है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के लिए Mali G610 GPU मौजूद है। स्टोरेज के ऑप्शंस की बात करें तो 8GB LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज मिलता है। 8GB का एक्स्ट्रा रैम है, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा रैम दी गई है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे के मॉड्यूल की बात करें तो डुअल रियर कैमरा का सेटअप है, मैंने पहले ही बता दिया है इसकी खूबी के बारे में। 64MP का प्राइमरी कैमरा लेंस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है, और ये इस लेंस को 2MP का सेकेंडरी कैमरा और लेंस है और वही सपोर्ट है। और सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा लेंस है, और बैटरी के मामले में डिवाइस में 66W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 4600mAh की बैटरी है, और अदर हैं तो वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल सिम 5G 4G जैसे फीचर्स मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो IQ Z7 Pro 5G में एंड्रॉयड 13 पर है, फन टच OS 13 पर काम कर रहा है। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों इसके प्राइस को लेकर, तो प्राइस मैं बता दूं कि ये आपको दो तरह के प्राइस में है, क्योंकि 8GB प्लस 128GB के वेरियंट में 24,000 रुपये के आसपास में है, और 8GB रैम 256GB का स्टोरेज में 25,000 रुपये के आसपास में। वहीं फ़ोन की सेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon में पर 5 सितंबर को लॉन्च शुरू हो जाएगी, मतलब कि सेल के लिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक, वीडियो को पसंद आ जब लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए टेक केयर।